कैमरे अपना बजट बनाने के चक्कर में रिपीर देती। ऐसा मरूंगी ना द्वार में बिड़ेगा जाकर सीधा राम ज्यादा। राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक हो गए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे एमडीयू के जो एग्जाम्स प्रॉब्लम है उनके बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज पे पजल है और भाई कंफ्यूज है कि भाई एमडीयू ज्यादा री देती है या फिर भाई एमडीयू एग्जाम से फेल कर देती है। कई बार भाई आपके जीरो नंबर दे देती है, आपका रिजल्ट अटका देती है, आर एल डी लिख देती है, ठीक है। और आप कभी भी आप मतलब रिवोल्यूशनरी चेकिंग का फॉर्म भरते हो तो आपके नंबर नहीं बढ़ाती है, बार बार रीअपीयर देती है। तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस चीज के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो भाई मेन चीज ये है कि भाई सबसे पहले बच्चों को दिमाग में ये बात है कि भाई एमडीयू ज्यादा री देती है। तो भाई एमडीयू ही नहीं, भाई हर एक यूनिवर्सिटी रीअपीयर जरूर देती है, ठीक है। ये कोई मतलब कोई बोर्ड नहीं है कि भाई ठीक है सभी बच्चों को पास कर दे छठी सातवीं आठवीं वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई क्या एमडीयू अपना बजट बनाने के चक्कर में रीअपीयर देती है? क्या एमडीयू को मतलब इससे क्या होगा कि भाई दो तीन बार रीअपीयर देने से आपका जो मर्सी चांस का चांस मिलता है वो मर्सी चांस में क्या है भाई 10 गुना ज्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है 10,000 रुपए की अराउंड फीस होती है, तो क्या इसके लिए ज्यादा रीअपीयर देती है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन भाई वीडियो को जरूर देखियो और लास्ट तक देखियो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एमडीयू ज्यादा फेल करती है। तो भाई ये दिक्कत हर स्टूडेंट की है कि भाई एमडीयू ने मेरे रीअपीयर दे दी, एमडीयू ने मेरे ये कर दिया वो कर, ठीक है। तो भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके देखोगे तो हर एक यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई मैंने ये वीडियो मतलब बहुत टाइम पहले बना सकता लेकिन नहीं बनाई, क्यों, मैंने कई यूनिवर्सिटीज के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट किया है, ठीक है। तो उन्होंने भी यही बताया कि भाई CRSU GJU KU कौन सी यूनिवर्सिटी हो, हर एक यूनिवर्सिटी ऐसा करती है कि भाई आपके जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं आपकी बिना गलती के भी फेल कर देती है, ठीक है। तो भाई ये चीज दिक्कत लेने वाली बात नहीं है कि और भाई साहब एमडीयू जो मतलब रैंक नंबर 1-2 पे ही रहती है, ठीक है। तो वो क्यों रहती है भाई, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ खास बात है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी खराब है, यूनिवर्सिटी बढ़िया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भाई हर एक यूनिवर्सिटी देती है री, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको ये लगता है कि आपके जब आपको खुद रीअपीयर आता है तो आपको ये लगता है कि यूनिवर्सिटी ने आपके साथ गलत किया है। तो भाई साहब हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीअपीयर आता है, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो अगला डाउट रहता है कि भाई मतलब पूरा पेपर करने के बाद भी रीअपीयर दे देती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई आपका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि हम पूरा पेपर करके आए थे फिर भी हमारी रीअपीयर दे दी है, ठीक है। तो वो रीअपीयर का चांस मतलब एक तो बढ़ता ही नहीं भाई, ठीक है। उसके बाद अगर आपका चांस बढ़ भी जाता है रीअपीयर आ जाता तो वो कहीं ना कहीं क्लैरिकल मिस्टेक हो गया भाई, आपने रोल नंबर वगैरह गलत भर दिया, इस वजह से आपकी रीअपीयर आ जाती है, ठीक है। मैं इस चीज में एमडी के फेवर में नहीं हूँ लेकिन भाई जो बात है तो वही बताई है मैंने, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि भाई कई बार आप क्या करते हैं कि आपके मार्क्स नहीं बढ़ाते, आप रीचेकिंग रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरते तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ाते, ठीक है। तो भाई ये चीज़ है कि वो मतलब रीचेकिंग रिवॉल्यूशन वाला एक बच्चों को मतलब थोड़ा सा भाई ठीक है 19-21 का होता हो, ठीक है। अगर आपके भाई एक या दो नंबर से फेल हो तो आपको बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें कंडीशन भी रख दिया कि आपके 15 से कम नंबर हो गए तो आप रिवॉल्यूशन या रीचेकिंग का फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। RTI वगैरह भी ऐसी चीज़ें कर रखी हैं ये, तो आपको भाई उसमें सर 19-21 का फर्क होता है। अब ये नहीं होता कि आपके मतलब 10 नंबर आए और आपके 35 चाहिए तो आपको 35 देंगे, ऐसा नहीं होता भाई। सिर्फ एक दो नंबर बढ़ाते हैं और भाई सभी बच्चों को लगभग बढ़ा भी दिए जाते हैं। और कई बार क्या करती है भाई यूनिवर्सिटी अपना मतलब बजट बढ़ाने के लिए ये चीज़ करती है। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपका जो रिवॉल्यूशन का रिजल्ट है वो आपका लेट करती है, किस वजह से, ताकि आप रीअपीयर का फॉर्म भर दो और रीअपीयर का भी पेपर दे दो। अगर आप रिवॉल्यूशन में चेक पास हो जाते हो, ठीक है, तो आपको रीअपीयर के पैसे वेस्ट गए, वो आपको रिटर्न नहीं मिलते हैं, आपको चाहे पेपर दो या ना दो आपको पैसे नहीं मिलते, तो वो सीधे कहाँ गए भाई यूनिवर्सिटी के अकाउंट में गए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हर एक यूनिवर्सिटी भाई अपना बजट बनाने के लिए ये एक साधन है भाई रीअपीयर देना, ठीक है। और साथ ही साथ भाई अब यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया कि भाई आपको जो रीअपीयर की फीस है वो भी बढ़ा दी है, ठीक है। पहले 750 रुपये थी वो अब 1250 रुपये कर दी है, और साथ साथ भाई आपके रीचेकिंग का रिवॉल्यूशन का 200-300 रुपये वो बढ़ा दिया, यानी कि भाई डबल कर दिया, मेन चीज़ है। तो भाई यूनिवर्सिटीज कोई भी यूनिवर्सिटीज हो वो आपकी अपना बजट में रीअपीयर का जो पैसा वो इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रीअपीयर भाई रैंडमली करते हैं, ठीक है भाई, आज है थोड़ी ही जब ये होता नहीं कि भाई थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट करने पैसे, तो भाई वो स्ट्रिक्ट बोलते हैं कि आपकी जो चेकिंग है वो आप थोड़ी सी हार्ड चेकिंग करोगे तो भाई आपके बच्चे फेल होंगे, तो भाई आपकी सीधी सी बात है रीअपीयर ज्यादा है, रीअपीयर ज्यादा आती है तो भाई वही चीज होता है कि आपके पैसे बढ़ते, तो सीधी बात है भाई सीधा सीधा फोकस आपके ऊपर पड़ता है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को उसके ऊपर। और भाई कोई भी टीचर अगर वीडियो देख रहा है तो उसके उसको ये चीज गलत लगेगी, लेकिन भाई ये हो रही है हर यूनिवर्सिटीज में हो रही है, ये नहीं है कि भाई सिर्फ MD में हो रही है, हर यूनिवर्सिटीज में भाई बच्चों के साथ ये चीज होती है, उनको ज्यादा रीअपीयर दी जाती है, रीअपीयर के बाद उनसे मतलब पैसे इतने लिए जाते हैं कि भाई वो अफोर्ड ना कर सकता। 750 रुपये थे भाई, 750 से 1200 कर दिए, 800-900
हजार कुछ ना गए सीधे 500 बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी भाई है? इसमें क्या होगा कि बच्चों की एक तो पढ़ाई ना लगी, क्लासेज ना लगी, जो आपका बिल्डिंग फंड होता, कॉलेज फंड होता, वो आपका कहीं भी यूज नहीं है। फिर भी आपका क्या है कि रिपेयर की फीस बढ़ा दी गई। इवन ये करना चाहिए कि भाई आपका मतलब कोविड चला हुआ था तो 3 साल तो हो गए लगभग, ठीक है। तो भाई इसमें आपका क्या करना था कि बच्चों को थोड़ा बहुत रिलीफ देना था, कंसेशन देना था, ठीक है। लेकिन वो नहीं है कि ऊपर से आपके ऊपर ही फीस बढ़ा दी, हॉस्टल्स की, एडमिशन की, रिपेयर की, हर चीज की फीस बढ़ा रखी है, वो आपके ऊपर ही बर्डन बन रही है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस चीज का सोल्यूशन भाई तभी करना चाहिए था जब ये चीज होती है, ठीक है। ये फिर ज्यादा आती है तो कोई दिक्कत नहीं लेते बच्चे, भाई कोई दिक्कत नहीं, भाई मेरी आई है, जिस बच्चे का जो पास है उसको कोई मतलब नहीं होता कि भाई क्यों मैं क्यों करूं कि भाई ठीक है आई है इसकी, आई है अपने आप करेगा, ठीक है। लेकिन भाई वही चीज है, आज अगर उसके आई है तो कल आपके भी आ सकती है, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये किसी का लिखा हुआ नहीं होता कि भाई इसके लिए फिर नहीं आएगा। मैंने पहले बताया कि भाई बहुत सारे बच्चों के फुल पेपर करने के बाद भी रिपेयर आती, मेरे पास कमेंट्स आते बहुत सारे कि भाई मैंने पूरा पेपर किया था, मेरी सिर्फ एक मिस्टेक थी, इसकी वजह से भाई मैं फेल कर दिया, मैं ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। तो भाई ऐसा ही कर रखा है हर यूनिवर्सिटी में। ये आप ये मत देखना कि भाई एमडीयू बुरी है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी अपनी जगह पे सही भी है और अपनी जगह पे गलत भी है भाई। किसी भी कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। आज की वीडियो में यही बताना था कि भाई आपका अगर ये पीर आता है तो भाई आप थोड़ा सा मतलब पढ़ के थोड़ा करो एडजस्ट, पास का कर लिया करो कम से कम, आपको क्या होगा कि रीअपीयर नहीं देना पड़ेगा, आपने इंप्रूवमेंट कर लेना बाद में डिग्री के बाद, ठीक है। तो भाई इस चीज़ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसकी बुरी लगी बुरी लागो, अच्छी लगी अच्छी लागो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। एमडीयू क्या भाई, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपका खुद का बजट बढ़ाने के लिए भाई रिपेयर वगैरह आता है और आपकी फीस बढ़ाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ हर साल होती है, हर साल आपकी एडमिशन फीस भी बढ़ा दी जाती है। वो क्यों बढ़ाई जाती है? क्योंकि भाई उनका मतलब थोड़ा बहुत बजट बैलेंस होता है इस चीज़ से, क्योंकि भाई सारा का सारा बजट ऊपर से नहीं आता, इनको खुद भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ है भाई, आपकी रिपेयर वगैरह हर यूनिवर्सिटी देती है, ये ना सोचिए भाई एमडीयू देगा, हर यूनिवर्सिटी रिपेयर देवा, हर यूनिवर्सिटी भाई ये रिवॉल्यूशन के फॉर्म पर है और उनका रिजल्ट लेट करा। कोई एक आधी यूनिवर्सिटी है बढ़िया भाई, देखो उसका मैं पर्सनली नाम तो ना लूं, पर भाई एक आधी यूनिवर्सिटी है इसी जो भाई टाइम पर कर दे ऐसा काम, ठीक है भाई, टाइम पर अपने रिजल्ट दे देगी, टाइम पर सारी चीज कर देगी, ठीक है। तो भाई इस चीज में दिक्कत ना लियो। तो आज की वीडियो में आई थी, जिसकी बुरी लागा बुरी लागी हो, किसी का अच्छा लागा तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो वीडियो ना भाई। तो अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी हो बता दी, और चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई, क्योंकि यार तम कत्ती देखने थोड़े दिन मन ने के बंद कराया भाई वीडियोज बनानी पेपर का चक्कर में, तम तो भूल गए यार। तो होपफुली वीडियो समझ आ गई होगी, थोड़ी ठीक भी लागी होगी। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।